हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे आप जनन तंत्र और प्रजनन तंत्र के नाम से जानते हैं हिंदी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने मेरे होम साइंस के, यूजीसी नेट के, जेआरएफ के, टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा जितने मेरे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 110% पूछा ही जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप सब लोग और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे साथ कनेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन, जनन क्या है। किसी भी जीव के द्वारा नए जीव का निर्माण प्रजनन कहलाता है। कोई भी जीव के अंदर ताकत होती है, जीव मतलब जिसमें जीवित है, जीवन है, उसके अंदर ताकत होती है नए जीव का निर्माण करने की। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होते हैं उसे हम प्रजनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी भी निर्जीव जीवों को, निर्जीव चीज़ों को, कुर्सी को, मेज को, दूसरी कुर्सी मेज पैदा करते देखा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी जीव जो होता है, जीवित प्राणी जो होता है, वही नए जीव का निर्माण कर सकता है, ठीक है, उसको हम प्रजनन कहते हैं। और इस नए जीव को निर्माण करने के लिए जो जो ऑर्गन, जो जो शरीर के अंग रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिस वजह से ये काम होता है, उसे हम प्रजनन तंत्र बोलते हैं। जैसे हम कंकाल तंत्र पढ़ते हैं, पेशी तंत्र पढ़ते हैं, आपके नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, पाचन तंत्र पढ़ते हैं, और हर तंत्र में अपने अपने ऑर्गन्स होते हैं, हर तंत्र का अपना अपना काम होता है। उसी तरीके से रिप्रोडक्शन में प्रजनन तंत्र होता है, हर उसमें ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं, और ये ऑर्गन ही एक नर और एक मादा को क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। बाकी सारे ऑर्गन दोनों बॉडी में सेम होते हैं, लेकिन नर और मादा में यही तंत्र अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है? देखिए, रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? अलैंगिक जनन, मतलब जब बच्चे के निर्माण में केवल एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट, ठीक है, एक ही पेरेंट भाग लेता है, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमीबा, गुलाब, गुलहड़ आदि, इन सब में क्या होता है, एक ही पेरेंट जो है भाग लेता है, दोनों पेरेंट नहीं होते, मेल फीमेल दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? लैंगिक जनन, जो देखिए इंसानों में, मनुष्यों में, जानवरों में आपको दिखता है। इस प्रकार के प्रजनन में नर और मादा सेल्स आपस में संलयन कर संतति को जन्म देती हैं। संतति मतलब संतान को जन्म देती हैं, और इसमें दोनों ही पेरेंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के बीच में सेक्सुअली कॉन्टैक्ट होता है, तब दोनों जाकर के एक नए जीव का निर्माण करते हैं, नए संतान को जन्म देते हैं। और नर और मादा दोनों में ही जनन अंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, दोनों के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, यही पर्टिकुलर ऑर्गन दोनों में अलग पाया जाता है। जैसे वृषण और शुक्राशय नर में पाया जाता है, अंडाशय, गर्भाशय आदि मादा में जनन अंग होते हैं। सो क्लियर है, रिप्रोडक्शन समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जहाँ पे दोनों ही नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, और अलैंगिक जनन जहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है, ठीक। अब आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे नर जननांग, मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर जननांग, मेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। देखिए, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, पिक्चर में आपको सब कुछ साफ समझ में आ रहा होगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना, ठीक है। एक एक चीज़ को आपको बहुत डिटेल्ड पढ़ना है, डिटेल समझना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। पुरुष के जननांग को वृषण, टेस्टिस या टेस्टिकल कहते हैं। ये देखो इमेज में दिखाई दे रहा है, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये टेस्टीज होता है, इसे टेस्टिकल बोलते हैं या हिंदी में वृषण बोलते हैं, ठीक। सभी स्तनधारी, स्तनधारी मतलब मैमल्स, मैमल्स में जो वृषण होते हैं वो स्कॉटल सैक, स्कॉटल थैली या स्कॉटम में होते हैं। अब ये जो थैली दिखाई दे रही है, ये थैली, इसके अंदर जो होते हैं आपके वृषण पाए जाते हैं, स्कॉटल सैक के अंदर वृषण पाए जाते हैं, क्लियर है। लेकिन ये जो स्कॉटल शहद थैली होती है, ये बॉडी के बाहर होती है। अब ये शरीर के बाहर क्यों होती है स्कॉटल थैली, स्कॉटम शरीर के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम पर होता है। इसीलिए ये थैली मेल्स में बाहर होती है बॉडी के। अगर ये बॉडी के अंदर होगी तो स्पर्म का निर्माण संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, स्पर्म का निर्माण हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पर्म का निर्माण जो है
आपको बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम पर होता है, जितना टेम्परेचर बॉडी का होगा उससे 2 डिग्री कम पर स्पर्म का निर्माण होता है, इसलिए जो स्कॉटल सैक होती हैं वो बॉडी के बाहर होती हैं। आ गई बात क्लियर। और टेस्टीज इसके अंदर होती हैं। अब एलिफेंट में टेस्टीज बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन प्रजनन के दौरान टेस्टीज बाहर आ जाते हैं जिससे कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये बात आ गई एलिफेंट की, क्लियर हो गया। अब स्पर्म की बात कर लेते हैं। स्पर्म क्या होता है? मेल की रिप्रोडक्टिव सेल होती है जिसके कारण एक नए जीव का निर्माण होता है जब ये बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है। तो स्पर्म की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। इसकी जीवन काल 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 30 दिन तक ये जो है आपके स्कॉटल सैक स्कॉटल थैली के अंदर जीवित रह सकता है। लेकिन लेकिन जब ये प्रजनन के बाद मतलब फीमेल और मेल के सेक्सुअली कॉन्टैक्ट होने के बाद, आपस में दोनों के मिल जाने के बाद जब ये फीमेल बॉडी के अंदर चला जाता है तब केवल 72 घंटे तक का इसका जीवन काल होता है। 72 घंटे के बाद ये बॉडी के अंदर निष्क्रिय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। अभी हमने टेस्टिस पढ़ा, स्क्रोटल सैक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूबॉल। देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूबॉल आपको ये दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। ये चीज़ जो होती है, ये जो येलो मैंने कलर कर रखा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबॉल होते हैं स्टूडेंट्स। और ये टेस्टिस के अंदर लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। टेस्टिस के अंदर होते हैं, आपको आपके स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रही होगी, टेस्टिस के इंटरनल अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, उसमें आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये लाखों की संख्या में होते हैं टेस्टिस के अंदर। और इनका काम क्या होता है? ये जो होते हैं स्पर्म का निर्माण करते हैं, मेल में स्पर्म का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे स्पर्म प्रोडक्शन ट्यूब्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्म प्रोडक्शन ट्यूब्स भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए लाइडिंग सेल्स होती हैं। लाइडिंग सेल्स स्टूडेंट्स, इसमें देखिए इमेज में अच्छे से दिखाई दे रही होंगी आपको, ये जो पॉइंट्स वाली होती हैं इमेजेस, ये लाइडिंग सेल्स होती हैं। ये लाइडिंग सेल्स क्या करती हैं? ये पुरुष लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। पुरुष के अंदर जो लिंग हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। पुरुष का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। इसका निर्माण लाइडिंग सेल्स करती हैं बॉडी में, ठीक है। अब शुक्राणु वाहिनी, टेस्टीज में स्पर्म बन गया है, सेमिनिफेरस ट्यूबॉल ने बना लिया है, और ये जो टेस्टीज से स्पर्म जो है उसको बाहर लाती हैं जो शुक्राणु वाहिनी होती हैं। फिर सेमिनल वेसिकल होता है, ये देखिए इमेज को अच्छे से समझते जाइए, ये देखिए ये शुक्राणु वाहिनी है, इससे ये बाहर लेकर आती हैं। यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है, ये जो सेमिनल वेसिकल होता है इससे स्टूडेंट्स 75% वीर्य जो होता है वो स्पर्म में मिल जाता है, ठीक है। 75% वीर्य जो है बनाती हैं और स्पर्म में मिल जाता है। इसके बाद ये होते हुए आपके आता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये 25% वीर बनाती है, और जिसका मीडियम कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड में 25% वीर बनाती है। और उसके बाद जो होता है ये आपके मूत्र नली में आ जाते हैं, मूत्राशय में आ जाते हैं, और मूत्र नली से बाहर की तरफ डिस्चार्ज हो जाते हैं पेनिस के थ्रू, जिसे आप बोलते हैं पेनिस के थ्रू बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए बहुत अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू आप समझ लीजिए। यहाँ टेस्टीज में किसका निर्माण हो रहा है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ये नली से आपको दिखाई दे रही होगी, इस नली से, यहाँ से ये जो नली दिख रही है आपको, इस नली से होते हुए ये बाहर आते हैं। और यहाँ पे आपके सेमिनल वेसिकल से 75% वीर मिलता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड से 25% वीर मिलता है, दोनों ही यहाँ पर है। और उसके बाद ये जो है आपके ये पेनिस में, ये जो पेनिस वाला हिस्सा है इसमें आपके बाहर इससे डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये आपके नर जननांग होते हैं। अब बहुत ज़रूरी बात, यदि स्पर्म में सीमन ना मिले, सीमन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये ना मिले तो स्पर्म मर जाता है। और फिर ऐसा पुरुष क्या होता है? बांझ होता है, बांझपन का शिकार होता है, ठीक है। फिर ये दूसरे मतलब जो भी बच्चा है, नया जीव है, उसको पैदा करने के लिए बिल्कुल ही बेकार होता है, नहीं कर सकता, बांझपन की दिक्कत होती है उसमें। यदि पुरुष अत्यधिक अपसार टेंशन में रहेगा, जीवन जीता है, तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, हो सकती है। स्पर्म के बनने में मनुष्य की दैनिक क्रियाकलाप व खान पान भी निर्भर करता है। अगर पुरुष बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह में रहेगा तो क्या होगा? स्पर्म का प्रोडक्शन बॉडी में नहीं हो पाएगा, क्लियर है। इसके अलावा रक्त का दबाव भी वीर्यपात की मात्रा पर निर्भर करती है। ब्लड का दबाव प्रेशर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके स्पर्म के ऊपर, वीर्यपात के ऊपर की मात्रा पर निर्भर करता है। और उच्चतम पाचन शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मतलब कहने का है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत गुड, बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार की टेंशन नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है।
अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मादा जनन अंग देखिए, आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे मादा जनन अंग। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडाशय ओवरी, ये वाला सिस्टम जो होते हैं ये ओवरीज होती हैं, ठीक है। ये दो संख्या में उदर भाग में पाई जाती हैं, उदर भाग के नीचे होती है ओवरीज, ये जो होता है पूरा सिस्टम मादक के, और दो भाग में पाई जाती हैं अंडाशय में ग्रेफियन फॉलिकर और कॉर्पस ल्यूटम होता है, आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये जो GF होता है ये अंडाणु तथा मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन बनाती हैं, जो GF होता है, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिसल जो होता है आपके ये ओवम और मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुष लिंग हार्मोन क्या था? टेस्टोस्टेरोन। मादा लिंग हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन बनाती हैं। और जो सीयर होती हैं कार्पस ल्यूटम जो होती हैं ये दूसरा मादा लिंग हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन बनाती हैं। मादा में दो लिंग हार्मोन होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, इसको बनाती हैं। अब फैलोपियन ट्यूब्स, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, ये जो नली हैं ये चीज़ जो है ये आपके फैलोपियन ट्यूब्स हैं। फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन जो होता है वो संभव होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसे निषेचन नली भी कहते हैं, निषेचन नली बोलते हैं। अब बात आती है यूट्रस गर्भाशय, ये वाला हिस्सा यूट्रस होता है, इसे गर्भाशय बोलते हैं। ये उदर भाग के निचले हिस्से में एक थैली होती है जिसमें एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जो स्पर्म होते हैं जब वो यहाँ से एंट्री लेते हैं बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो एंटर करते हुए यहाँ पर जाके मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में, यहाँ पे ओवम का निर्माण होता है ओवरीज में, अंडा बनता है, उन दोनों का आपस में, दोनों आपस में, ये अंडा है और ये आपके स्पर्म है, इसे पूंछनुमा होते हैं, स्पर्म आकर के भेद देता है, आपको पता ही है, और ये फिर एक नया जीव बन जाता है। और फिर ये जीव जो होता है फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस में आकर के यूट्रस की वॉल पर सेट हो जाता है, दीवार पर चिपक जाता है, और फिर एक नए बच्चे का, एक नए जीव का, नए भ्रूण का निर्माण होता है। क्लियर है? एक नए बच्चे का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के यूट्रस में होता है। गर्भाशय में प्रेगनेंसी के टाइम पर एंडोमेट्रियम भित्ति एक अस्थायी ग्रंथि बनाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। गर्भाशय में प्रेगनेंसी के टाइम पे जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है उस टाइम पे एंडोमेट्रियम भित्ति एक अस्थायी ग्रंथि बनाती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा आप जानते हैं, जिसके थ्रू बच्चा माँ से जुड़ा रहता है, नरिश होता रहता है, बच्चे का लालन पालन, बच्चे का खून, बच्चे का न्यूट्रिशन सब कुछ प्लेसेंटा के थ्रू माँ से बच्चे को मिलता है। और ये क्या है? ये एक अस्थायी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन PCS में पूछा गया था, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कई बार पूछ सकते हैं कि मादा में अस्थायी ग्रंथि कौन सी होती है, मतलब टेम्परेरी ग्लैंड है ये, समझ में आएगी ना। वो भी कब होती है? जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, प्लेसेंटा बनती है, और ये प्लेसेंटा क्या करती है? रिलैक्सिन और गोनोडोट्रोपिन हार्मोन बनाती है। और जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है ये क्या करता है? जब बच्चा पैदा होने वाला होता है डिलीवरी के टाइम पर, ये यूट्रस के मुंह को चौड़ा कर देता है, चौड़ा करने के लिए, ताकि अच्छे से बच्चा ईजिली बॉडी से बाहर आ जाए, यूट्रस के मुंह को बढ़ाने में ये हेल्प करता है रिलैक्सिन, ठीक है। और गोनोडोट्रोपिन हार्मोन बनाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लेसेंटा स्त्री में एक अस्थायी ग्रंथि होती है, इसे आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आज का टॉपिक यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके अलावा बाद में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो और एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है, आंत का खिसकना। ये एक बीमारी हो जाती है स्टूडेंट्स फीमेल और मेल दोनों बॉडी में। इसमें क्या होता है, पुरुषों में हाथ जो होती है खिसक के, आंत जो होती है वो स्क्रोटल थैली में आ जाती है, ठीक है। इस बीमारी का एक गुण होता है कि ये दिन में वर्किंग टाइम में तो नीचे होती है, स्क्रोटल थैली में आती है, लेकिन रात में सोते समय ऊपर, जहाँ अपने अपने स्थान पर वापस चली जाती है। पर अगर ये स्क्रोटल थैली में फंस जाती है, स्क्रोटल थैली क्या होती है, मैंने अभी आपको समझाया था, ये वाली स्क्रोटल सैक होती है ना, जो कि बाहर की तरफ होती है मेल बॉडी में, उसमें आकर के फंस जाती है। तो दिन में तो वर्किंग टाइम में तो ये नीचे खसकी रहती है, लेकिन लेटते समय ये ऊपर बढ़ जाती है। अगर 4 घंटे तक इसका इलाज नहीं किया गया, स्क्रोटल थैली में फंस जाती है, तो ये सड़ सकती है और फिर इसको काटना पड़ सकता है। इसका इलाज समय रहते कर लेना चाहिए, ठीक है। और सॉरी स्टूडेंट्स, फीमेल में खसक के लिए यूट्रस में आ जाती है, तो ये भी है इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी है। चलिए फिर वीडियो को यही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।